हाँ जी, अब जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एडम सीकर ने जो बोला है ना, ठीक है, हाँ वो बाकी बात। उसने उसके लिए हंड्रेड्स ऑफ टाइम जो है अपोलॉजी मांगी थी, अपोलॉजी की थी उसने, ठीक अच्छा, पर अपोलॉजी है, क्यों मांगी है वो लेकिन किसी हिंदू ने, एक भाई एक ग्रेगर वो भाई, लेकिन एक किस एक वजह पॉइंट से, ये किस तो वजह, गलत सैम भाई, एक 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 पॉइंट सैम भाई, बड़ी हाँ वो मैं मजे जी की जी वीडियो वो मैं बनाई बता सैम रहा की हूँ, मेरे को बता रहा समझ हूँ, नहीं आया। सुनो, ग्रेगर सुनो, ग्रेगर हाँ मेरा मैं भाई सुना ऐसे नहीं दूँ, होगा, देखो ऐसे नहीं होगा, फिर मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा, मेरी मेरी बात कोई बात सुनो, नहीं सुन रहे मैं बात आप। सुनने ग्रेगर लगा भाई हूँ, सुनिए, एक मिनट मैं सुनिए, सुनने लगा हूँ, मैं सुनने लगा हूँ, आपका पूरा पॉइंट लेके जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाएंगे, बेफिक्र रहे हैं आप, एक अच्छे भाई हैं हमारे, टेंशन न लें, गुरु ज्ञानी हैं आप। एक मजे का क्लिप आपको सुनाता हूँ, अभी 2 दिन पहले का है। आप कह रहे हैं ना उसने 2 बार माफी मांगी, ठीक है, 100 बार माफी मांग ली, हमने अरे उसको आप माफ थोड़ी कर सी दिया। भी बात कर लो ना यार, क्लिप टाइम वेस्ट हो रहा है यार क्लिप सुनने में। एक मिनट, मुझे पता है आपका टाइम वेस्ट, इस्लाम के बारे में बात हो तो 5 5 घंटे बैठ के जुबानें निकाल के 2 2 हजार बंदा चौं चौं कर रहा होता है, हमें वो भी पता है, अभी आपको करवाते हैं, टेंशन ना लें, सारे ठंड पवेगी, तो लगा उसमें सच दो भी कपड़े। तो होता है, हाँ सच सच होता है तो ये झूठ बोला है, अभी मैं इस पे करूंगा बात, सती प्रथा, ठीक है, कास्ट सिस्टम, ये सारी बात मैं करूंगा, कृष्णा ने जो किया मैं सारी भी बात करूंगा, पूछूंगा, अभी रुके मैं भी फिर रुके, लौंडियों के सच साथ होता है ना, करूंगा, जो लौंडी रुके जो रुके, रखी थी सब सब कितनी सब भी लौंडी रख करिएगा, सकते हो, सब की मैं सबकी बात भी होगी, करिएगा, सबका नंबर आएगा, रुकिए सबका नंबर आएगा भाई, रुकिए, कद्दू आप भी खाएंगे, रुकिए, रुकिए थोड़ा, तो सबका नंबर आएगा आपका, फिर आएगा जरा, ये क्लिप कद्दू हम भी सुनिए, खाएंगे, अच्छा मैं बताता हूँ आप तो आपको, म्यूट कर खिलाते देते हैं, हो ना। रुक जाए ना जरा, आपको सुना तो लूं, ये बड़ा मजे का क्लिप है, नाजरीन नया नया मार्केट में आया है, एडम सीकर अपनी जुबान से ये चीज कह रहा है कि हिंदुओं के खुदाओं को गाली भी निकालो वो कुछ नहीं कहते, उनको कोई परवाह नहीं है, ये अपनी जुबान, इसलिए इसको पता था, इसने दे मार 4.5 हिंदुओं के खुदाओं को गालियां निकाली, जरा ये सुनिएगा, चैलेंज का दे सकता हूँ, जितने भी यहाँ पे इंडिया ये देखना जरा, वाले हिंदू खास कर हैं, जैसे ही आप हिंदुइज्म को एक्सपोज करेंगे ये आप पे छड़ दौड़ेंगे, ये आपको जो भी आपको अच्छा बोले वो आपको गालियां देंगे, मैं थोड़े चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ आपके बात। बेहतरीन। चले सर, अगर मैं हिंदुइज्म को एक्सपोज करूंगा उनकी अपनी किताबों में से तो फिर देखेंगे, वरना तो हिंदुइज्म पे गालियां निकालना कोई मसला ही नहीं है। कहता है हिंदुइज्म पे गालियां निकालना मसला ही कोई नहीं है, दोबारा सुने, सर, अगर मैं हिंदुइज्म को एक्सपोज करूंगा उनकी अपनी किताबों में से तो फिर देखेंगे, वरना तो हिंदुइज्म पे गालियां निकालना कोई मसला ही नहीं है। नहीं, गालियां नहीं, एक्सपोज के लिए एक्सपोज करूंगा उनकी अपनी किताबों में से तो फिर देखेंगे, वरना तो हिंदुइज्म पे गालियां निकालना कोई मसला ही नहीं है। वरना तो हिंदुइज्म पे गालियां निकालना कोई मसला ही नहीं है। तो फिर देखेंगे, वरना तो हिंदुइज्म पे गालियां निकालना कोई मसला ही नहीं है। क्या कहिएगा प्रभु पाडा जी, जी ना कोई मसला नहीं है वो तो ये कह रहे हैं, जी, आप कहते हैं माफी मांग ली, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसने क्या क्या गलत बोला है इसने, ठीक है, वो इसने कहता है वही वो, बोला जो आपने, सुनो सुनो, मैं वही बता रहा हूँ, सुन लो, इसने वही बोला जो पाकिस्तान में जो जमातों में जो आपकी जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है ना, हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत पढ़ाई जाती है, इसने वही ओए बोला, होए होए, इसने गलत, तो इसने इसलिए कोई एडम, मसला, तो चलो एक मिनट एडम भाई, स्मिथ क्या एक है, मिनट, ठीक ग्रेगर भाई, ग्रेगर है, भाई, वो बोल रहा है कि जो अगर हिंदुओं के मैं खिलाफ जो आपकी जो हिंदुइज्म को पाकिस्तान एक्सपोज में भी कर नफरत दूं, पाई जाती ग्रेगर है, वही भाई, बोला इसने ग्रेगर भाई देखिए सुनिए, वो बोल रहा है कि अगर मैं जी। सनातन धर्म को एक्सपोज भी कर दूं और इनके ऊपर मैं गालियां भी निकालूं तो कोई मसला नहीं है, और सही एक बोल बात रहा है बताता वो, हूँ ग्रेगर भाई, उसको ग्रेगर पता ना भाई, कि एक और गर्दन बात गर्दन आप, कोई नहीं काटने का ना इस्लाम की तरह, हाँ नहीं वो गर्दन हाँ तो तो निकाल निकाल सकते सकते हैं हैं, ना, नमाज देखते हैं ना, हाँ निकाल तो सकते हैं गाली, एक ना तो वही पूछ रहे हैं हम, और निकाल सकते हैं गाली, चीज इसने ना पता है क्या किया है, हिंदुओं को बेचारों को पता नहीं जो इंडिया में रहते हैं, जैसे ये है, मैं तो पाकिस्तान का हूं तो मुझे पता है, इसने कहा है पाकिस्तान में स्कूल में पढ़ाया जाता है, ग्रेगर इतना बड़ा बेवकूफ, ये आप लोगों को सी बना रहा है, सी कैपिटल सी, इतना बड़ा, और इसको पता है आप लोगों के माथों पर सी लिखा है, जितने हिंदू हैं उनके माथे पर इसको सी नजर आता है, जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम को जेरी की शक्ल में लेग पीस नजर नहीं आता, एडम सीकर जब हिंदुओं को देखता है बड़ा सा सी उनके माथे के ऊपर लिखा होता है, मैं सही आपको बता रहा हूँ, वो कहता है कि पाकिस्तान में मुझे पढ़ाया नहीं गया था, उस उल्लू के पट्ठे को पूछे, मैं पाकिस्तान के स्कूलों से पढ़ा, उस उल्लू के पट्ठे को पूछे पाकिस्तान की कौन सी टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि कृष्णा माखन चोर था,
पाकिस्तान की किस टेक्स्ट बुक में लिखा है कि ये सती प्रथा थी? पाकिस्तान की किस टेक्स्ट बुक में लिखा है कि शूद्रों से गटर साफ कराते हैं? पाकिस्तान की किस टेक्स्ट बुक में लिखा है कि वेदास झूठी हैं? पाकिस्तान की किस टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि महाभारत झूठी है? पाकिस्तान की किस टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है कि काली माता डेविल है? पाकिस्तान की किस टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हिंदू कास्ट सिस्टम के अंदर मोलेस्टेशन होती थी? पाकिस्तान की किस टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हिंदुओं को ईसाई बनाना है? यार तुम्हारी मेहरबानी, कितना बेवकूफ बनोगे यार तुम लोग, अकल के अंधो। माजरत के साथ मेरा प्यारा भाई जी। आपने वो बीबीसी की रिपोर्ट देखी थी आपने? चलो बीबीसी, बीबीसी पाकिस्तान, बीबीसी की रिपोर्ट देखी थी आपने यार? ठीक है ग्रेगर भाई, हम आपसे इजाजत लेते हैं क्योंकि देखिए ये कॉन्वर्सेशन जा नहीं रहा है सही जगह पर। अगर वैसा देखना है तो देखिए आदम की बात हम करते भी नहीं है। आदम को हम यहाँ पर लाए इस वजह से क्योंकि आप कास्ट सिस्टम के बारे में बात किए, आदम ने भी कास्ट सिस्टम के बारे में भी बात की और इसके ऊपर कोई दलील नहीं दिया है आदम कि किस वजह से वो अच्छा है माना है हिंदुइज्म को। ठीक है, कास्ट सिस्टम तो, नहीं है वो तो आदम सीकर जिंदगी में कभी बोल मेरे भाई प्लीज सुन लीजिए। तो आदम ने आज तक कभी आकर कोई लाइव चैनल पर ये नहीं बोला है कि भाई कास्ट सिस्टम जो है हिंदुइज्म में नहीं पाई जाती है, ये कभी नहीं बोला है, इसके ऊपर कभी माफी मांगी नहीं है। तो आज भी अगर जाकर आदम से पूछेंगे कि भाई इज योर रिलीजन बेटर देन माय रिलीजन, तो बोलेगा क्रिश्चियनिटी 10 गुना अच्छी है हिंदुइज्म से, तो बिल्कुल एग्री नहीं करेगा आपकी बात पे। देखिए भाई आप लोग जो है ना बड़े ही भोले हैं, मैं कुछ और वर्ड नहीं यूज करूंगा जो आपके इनिशियल में भी है वो यूज नहीं करूंगा मैं। वैसे आप बड़े भोले हैं, कोई भी आपको चूना लगाकर चले जाता है, कोई अगर इस्लाम के बारे में बोलता है तो आप उसको हीरो बना देते, ये नहीं देखते कि वो क्या है, कौन है, क्या कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, आप इतने भोले हैं। तो भाई एक न्यूट्रल आदमी है, आप घास खा नहीं रहे ना, गोबर नहीं खा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। अगर आप गोबर खा रहे हैं तो फिर समझ सकता हूं कि मैं आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अगर आप खाना खा रहे हैं तो मैं समझूंगा कि फिर आप एक अच्छे इंसान है, समझदार इंसान है, आप समझ के ही फैसले लेंगे, डिसीशन लेंगे, और आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है जब तक कि आप गोबर नहीं खा रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो कास्ट सिस्टम से आप मुंह फेर नहीं सकते, हिंदुइज्म के ग्रंथ में है, मनुस्मृति में है, पुराणास में है, ऋग्वेद में, इसमें वाल्मीकि रामायण में है और बहुत सारे ग्रंथों में आता है, तो आप इसको नकार नहीं सकते हैं भाई। आप नहीं मानते वो अलग बात है, पर हिंदू स्क्रिप्चर में आज भी मौजूद है। और आप रिफॉर्मेशन की अगर बात कर रहे हैं तो रिफॉर्म नहीं हुआ है, अगर रिफॉर्म होता है तो आज हम पढ़ नहीं पाते थे। आपको रिफॉर्म करना ही है तो जितने कास्ट सिस्टम के वर्सेस लिखे गए हैं उसके पन्ने फाड़ दीजिए या किताब जला दीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि आज के बाद ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि आज के बाद कास्ट सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और जो दलित है उसको हम इक्वली ट्रीट करेंगे ब्रह्मा के, ब्राह्मण के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं मेरे भाई कि इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, हिंदुइज्म में बड़े ही लूपहोल है, जैसे कि आमिर भाई बताते हैं कि छेद है, तो ये छेद नजर आ गया है, आपको नजर नहीं आ रहा है, तो भाई आपकी प्रॉब्लम है। हम आपसे इजाजत लेते हैं ग्रेगर भाई, थैंक यू सो मच, कॉन्वर्सेशन इज गोइंग नोवेयर। एक मिनट भाई। हाँ हेलो, बोल लीजिए जी, बोलिए भाई। एक मिनट दो मुझे यार, आप मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो इस्लाम में अच्छी हो और सनातन में नहीं हो, ये बता दो। अच्छी बात है, ठीक है मैं जवाब दे डालता हूँ, उसके बाद आपसे अलविदा करते हैं हम। ठीक है, कास्ट सिस्टम इस्लाम में नहीं है भाई। आप जो बोल रहे हैं कि जो सेक्ट है वो सेक्ट सिस्टम है, वो इस्लाम में नहीं है, मुस्लिम में है। सुनिए भाई, ऐसे बात नहीं होगी। ठीक है, ये जवाब पहले भी बहुत बार दे चुके हैं भाई, इस्लाम में ना कास्ट सिस्टम है ना ही ये वर्ण सिस्टम आपके पास है वो है, इस्लाम में ना ही सेक्स सिस्टम है, ये मुस्लिम उम्मत में है सेक्स जो अपने आप को डिवाइड कर लिया, कुरान में नहीं आता है, ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आप अपने अपने गिरोह बना लीजिए, या फिर अल्लाह ने नहीं बताया कि भाई आप अपने अपने गिरोह बना लीजिए, अपने आप को शिया सुन्नी सलफी वहाबी देवबंदी तबलीगी बोल लीजिए, नहीं बोला गया है, सबको मुसलमान ही बोला गया है। तो इस्लाम में ना कास्ट सिस्टम है ना सेक्स सिस्टम है, ये मुसलमान अपने आप को डिवाइड कर लिए, बस यही है, इस्लाम में नहीं है मेरे भाई। इस आप ये कास्ट सिस्टम और सेक्स सिस्टम हिंदुइज्म में आता है। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई, थैंक यू सैम भाई, एक और मजे का टोटा जो है वो मेरे पास आ गया है। और एडम सीकर जो है उससे बार बार किसी ने कहा कि भाई आपके बारे में इतनी बातें वो कर रहे हैं, आपकी वीडियो चल रही है और जे देवी जो है वो इतनी वीडियो चला रही है, तो आपका तो नुकसान हो रहा है, तो आप उस वीडियो को डिलीट करवा दें या उन शब्दों के बारे में कुछ कह दें। तो एडम सीकर आगे से कहता है, मैंने जो बात कही है मैंने कही है, मैं उसको वापस क्यों लूं? जरा सुनिएगा जरा जुमला, ठीक है?
चाहें तो उस पर बैन लगवा दें या कुछ रिपोर्ट कर दें, क्योंकि वो आपको नेगेटिव मीडिया नेगेटिव पब्लिसिटी बहुत ज्यादा मिल रही है उसकी। सर मैं क्यों बैन करूं, मैं क्यों बैन करूं, मैं क्यों बैन लगाऊं, जो मैंने कहा है वो मैंने कहा है। देखिए आपके जो मैंने कहा है वो मैंने कहा है, सो ही स्टैंड्स बाय हिज वर्ड्स। ओके, इंडिया के स्वामी है स्वामी जितेंद्र, ठीक है जी, हां जी, उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर बोला है कि यार ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। हां जी हां, ठीक है, जो भी इस तरह एडम के खिलाफ कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब स्वामी बड़ा या जय देवी बड़ी? नहीं, स्वामी तो ऑब्वियसली स्वामी बड़े हैं और आप भी बड़े हैं, क्योंकि आप देखे ना जय देवी का तो मैंने नाम भी नहीं सुना कहीं। ठीक है, वो इंडिया की बहुत बड़ी लेखक भी हैं। नहीं मेरे मुंह से निकल, नहीं सर मेरे मुंह से जो चीज निकली है मैं उसको सुने सुने जरा सुनना जरा ये जुमला सुनना, ये नादरीन और हिंदू अगर गैरत है ना, गैरत, बाकी हमें तो पता है कि गैरत नाम था जिसका गई सनातनी के घर से, वो हमें पता है, मगर एडम सीकर का यह जुमला सुनना नया टोटा मार्केट में आ गया है, इसके ऊपर अपडेटेड वर्जन, ठीक है जी, सुन ले जरा। अरे सर जय देवी कौन है हम जानते भी नहीं है, मगर बस ये है ना कि आपके मुंह से निकला वो, नहीं मेरे मुंह से निकला, नहीं सर मेरे मुंह से जो चीज निकली है मैं उसको वापस लूंगा ही नहीं, क्यों? हां जी सुना जी, वो आगे से कहता है आपके मुंह से ये चीज निकली है, कहता है मेरे मुंह से निकली हो मैं क्यों वापस लूंगा उसको, दोबारा सुने जरा, क्योंकि जो मैंने कहा है वो मैंने कहा है, क्योंकि जब मैंने वो कह दिया है ना तो फिर उसके बाद ये नहीं है कि मैं कहूँ नहीं मेरे मुंह से निकला, नहीं सर मेरे मुंह से जो चीज निकली है मैं उसको वापस लूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा है वो मैंने कहा है, क्योंकि जब मैंने वो कह दिया है ना तो फिर उसके बाद ये नहीं है कि मैं कहूँ मैंने नहीं कहा, भाई मैंने कहा है, दैट इज हाउ आई वॉज बैक देन, ठीक है, दैट इज हाउ I was back then, मैं ऐसा ही था तब और मैं ऐसा ही कहता था और करता था। अब बता अच्छा खैर, मैं ऐसा ही था, मैं ऐसा ही करता था। एडम सीकर सवाल तो तुमसे हम करेंगे जब तुम आओगे, और हम तो बार बार इस चीज को इसलिए उठाएंगे कि जिसके नसीब में अल्लाह ने तौफीक और हिदायत लिखी है ना कि वो इस्लाम की तरफ या सत्य की तरफ पलटे तो वो तो पलटेगा, और अगर जिसके नसीब के अंदर चूना लिखा है तो वो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क होके रहेगा। ये है कि जो बर्बाद हो वो जानते बूझते बर्बाद हो, और जो हदायत की तरफ आए पूरी हकीकत और शरह बस्त और पूरी की पूरी जो है ना वो क्लैरिटी के साथ इस्लाम की तरफ आए। ये था जी, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया यूट्यूब से। ये बंदा कह रहा है मैंने जो कहा है मैंने कहा है, मैं अपने लफ्जों को वापस क्यों लूं, जो मैंने कहा है मैंने कहा है। बहुत शुक्रिया जी जी। राहुल भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी एक बात सिम भाई, हम थोड़ा कुछ बताना चाहते हो। पहले बात ये है तो हमारा जो पूर्वज है, पूर्वज यानी हमारा बाप का जो बाप है दादू है वो भी हिंदू है, और हमारा बाप भी हिंदू थे, तो हम फर्स्ट जनरेशन हम इस्लाम पर अभी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा दादू जब मरा ना, जब मर चुका तो उस वक्त एक कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि हमारा दादू जो कास्ट में थे वो है शूद्रा, तो हमारा दादू का जो अश्वस का विधान, हिंदू धर्म जब कोई मर जाती है तो एक अश्वस पालन करती है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ था जो अश्वस कितने दिन रहेंगे उसका परिवार, तो कुछ कहा 11 दिन और कुछ कहा 30 डेज यानी 30 दिन, क्योंकि कुछ ग्रंथ के अंदर हिंदू धर्म के ग्रंथ के अंदर लिखा है अगर कोई शूद्र मरेंगे तो उसका वशस का विधान है 30 डेज, और जो ब्राह्मण है उसका है 11 माने 10 दिन वो वशस रहेंगे, 11 दिन में वो जो पिंडी है ना वो दे सकती है। तो अरे हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर आप जितने भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये बात मौजूद है, जो शूद्र मर जाएंगे तो उसका परिवार अशुद्ध यानी नापाक रहेंगे 30 डेज, और ब्राह्मण की 10 दिन, जो वैश्य है उसका 12 दिन, और जो क्षत्रिय है उसका 15 दिन, और जो ब्राह्मण है शूद्र है उसके 30 दिन, ये भी एक अशुद्ध है। अभी तक हिंदू धर्म की सारे को सारे ये मानती है, सिर्फ जो स्कंद बाला आई है वो कहती है नहीं सारे को एक 11 दिन अशुद्ध का विधान है, लेकिन उसका ग्रंथ के अंदर भी लिखा है ब्राह्मण की 10 दिन और शूद्र के 30 दिन, और इसका रेफरेंस बहुत ज्यादा किताबों के अंदर मौजूद है, और इसलिए स्कंद वाला के साथ और एक वैष्णव मतवाद है जो गौरी वैष्णव कह जाती है गौरी वैष्णव, तो उसका इख्तलाफ भी इसके ऊपर बहुत डिबेट भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा,
तो उस कहती है जो शूद्र जो मर चुका है सारे को से अरे 11 दिन में अशुच है और वन जैसा है उसने अशुच होंगे। अब देखिए मनुष्य संहिता चैप्टर 5 वर्स 83 के अंदर भी ये बात मौजूद है जो ब्राह्मण है उसका अशुच का विधान 10 डेज और जो शूद्र है उसका अशुच का विधान 30 डेज। उत्तरी संहिता वो कुछ कुछ बंदा कह जाती है ना जो मनुष्य संहिता नहीं मानती है उत्तरी संहिता के अंदर ये बात मौजूद है चैप्टर नंबर 1 वर्स 85। उषण संहिता चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 34 भगवान विष्णु का जो संहिता है विष्णु संहिता चैप्टर 22 श्लोक 1 से लेकर 3 तक यज्ञवल्क ऋषि उसका एक संहिता है यज्ञवल्क संहिता चैप्टर 3 वर्स 22 अंग्रेज संहिता। ये आप सब 50 से ज्यादा ये हवाला दे सकते हैं जो ब्राह्मण अगर मर जाएंगे तो उसका परिवार अशुद्ध रहेंगे नापाक रहेंगे सिर्फ 10 डेज अशुद्रा का 30 डेज क्षत्रिय का 15 दिन। और एक बात वो कहती है जे जे कर्म से ये वर्ण प्रथा है ये वर्ण आश्रम है लेकिन ये भी झूठा है क्योंकि विष्णु संहिता की अंदर भी ये बात मौजूद है चैप्टर नंबर 22 वर्स 1-3 वहां पर लिखा है अगर कोई ब्राह्मण घर से कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस परिवार अशुद्ध रहेंगे यानी नापाक रहेंगे 10 दिन। आज शूद्र के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होंगे तो उस परिवार नापाक रहेंगे अशुद्ध रहेंगे 30 डेज। ये शंके संहिता चैप्टर नंबर 15 भाग 2-3 ब्रह्म प्राण चैप्टर 221 श्लोक 146 से लेकर 148। और भी आप देख सकते हैं और भी वो जो अश्वर्ण विवाह है अश्वर्ण विवाह कोई क्षत्रिय कभी भी विवाह नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद विवेकानंद जी भी उसका किताब के अंदर लिखा है और बहुत ज्यादा पुराना उसके अंदर भी मौजूद है कोई क्षत्रिय वो ब्राह्मण के शादी नहीं कर सकते कोई जो शूद्र है वो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ शादी नहीं कर सकते है बिल्कुल हराम है। और कोई करेंगे तो उसका जो बच्चा पैदा होंगे वो चंडाल होंगे। राइट जी सही बात है। और मरने के बाद इनको नर्क मिलेगा। पुराना में मेंशन है कि अगर कोई कास्ट मिक्स कर शादी करता है ब्राह्मण शूद्र से शादी करता है अगर मिक्स करके शादी करता है तो मरने के बाद उनको नर्क की आग में झोंका जाएगा। इससे बड़ी चीज है भाई। तो ये हास्य की बात ये है गरुड़ पुराण चैप्टर नंबर 156 वर्स नंबर 16-17 के अंदर लिखा है सिर्फ मनुष्य के अंदर ये वर्ण प्रथा है ये नहीं बल्कि गाय गोरु के अंदर काऊ के अंदर भी ये वर्ण प्रथा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन भी दे दिया जो सादा घोरा गाय है माने व्हाइट कलर अगर गाय है तो ये ब्राह्मण और लाल है एक क्षत्रिय और जो ब्लैक है वो है शूद्र गाय के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रसार समिति के अंदर भी है भाई बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी प्रसार समिति में है गरुड़ पुराण के अंदर है स्कंद पुराण के अंदर है बहुत ज्यादा पुराण इसके अंदर लिखा है गाय के अंदर भी ये ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय है कि ये बहुत जबरदस्त रहा है बहुत जबरदस्त। जी आगे बढ़ते हैं हम राहुल भाई आमिर भाई नितेश भाई को लेते हैं हम। नितेश भाई वेलकम टू द स्ट्रीम कैसे हैं आप? थैंक यू मैं बढ़िया हूँ आप लोग कैसे हैं? बढ़िया नितेश भाई काफी देर से आप लोगों को सुन रहा था जब से वो आदित्य भाई आए थे। हाँ नहीं वो अच्छा ही लग रहा था जब से वो आदित्य भाई आए हुए थे शायद मैं नाम अगर गलत नहीं बोल रहा हूँ तो तब से मैं सुन रहा था। मैं नाम सही बोल रहा हूँ ना जो अभी मुस्लिम है और पहले वो एक्चुअली क्या है कि उनके विचार बहुत हद तक मुझसे या फिर मेरे उनसे मिलते हैं। क्या है अंतर इतना ही है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया हूँ बस यही अंतर है। उसका रीजन ये है कि मैं जो अभी तहकीक कर रहा हूँ मैं जानने की मतलब कंपेरेटिव स्टडी मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे इस्लाम भी उस लेवल तक नहीं मिला है ताकि मैं उसे कबूल करूँ। ठीक है अगर वो जो टॉपिक्स वो बता रहे थे ना कि उनकी माता पेड़ को भूल। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आप ऐसा करें आप प्रोपेगेट ना करें अपना एतराज रख दें और पहले अपने धर्म के बारे आइडियोलॉजी के बारे में बताइएगा। मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं लेक्चर की बजाय ना सवाल रखें। जी मैं समझ ठीक है
ठीक है, आपने कहा सवाल रखने, और दूसरा क्या आपने बताया, मेरे धर्म के बारे। हाँ, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं पहले आप कह सकते थे कि मैं आर्य समाजी था, बट अब नहीं हूँ मैं। ये मेरे उसकी उसकी वजह ये था कि ऋषि देवयानंद जी जो हैं, उनके जो ट्रांसलेशन में है बहुत सारी सुगर कोटिंग है, मीन्स सुगर कोटिंग आप समझ रहे हैं जी, जी, जी. तो मीन्स कोई भी मंत्र को या कोई भी, जैसे मनुस्मृति है उसमें विशुद्ध बना दे, आर्य समाजियों ने विशुद्ध मनुस्मृति कर दिया, पूर्ण मनुस्मृति कर दिया, अब वो विशुद्ध मनुस्मृति का हवाला दे दिया सत्यार्थ प्रकाश में, तो ये बहुत खिचड़ी सी लगी, इसलिए मैंने उनको मीन्स ब्लाइंडली फॉलो, मैं पहले ब्लाइंडली फॉलो करता था, अब वो मैं नहीं करता। तो शायद मैं बता पाया हूँ अपने बारे में, या और कुछ पूछना है? जी 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 ठीक है। अब आपने कोई इतराज आपको इस्लाम पे है, हाँ, वो आप रखना चाहते हैं तो वो हाँ, सैम भाई से हमारी बात, हालांकि आपसे ही बात हुई है, मैं वो याद दिलाने से बजे ये कहता हूँ कि सैम भाई ने कहा था कि आप एक वेदास का कोई हवाला मुझे लाए, मैं उसको ये तो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वेदास भी ऑथेंटिक मतलब ठीक नहीं लगती, बट आपने कहा था कि कोई शूद्र या महिला को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो आप ढूंढ के लाएंगे, तो वो यजुर्वेद में मुझे मिल गया, जो मैं आपको शायद अगर कहेंगे तो मैं सुना दूंगा, वरना मैं अपना जो एतराज है मैं वो रखूंगा। आप क्या कह रहे हैं जी, आप सुना दीजिए, हमारे पास हाँ, इजाफा हो जाएगा इस नॉलेज का। ठीक है, कि कोई शूद्र को, कोई शूद्र जी, कोई शूद्र और महिला को वेद पढ़ना जायज है और वो ब्राह्मण बन सकते, यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में लिखा हुआ है, यथेमा वाचं कल्याणी मा वदानी जनेभ्य, मीन्स ये जो कल्याणी वाणी है, जो वेद है, वो हर जन के लिए है, जनेभ्य मीन्स यहाँ पे डिवाइड नहीं किया गया है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए ही है या फिर इस तरीके से, यथेमा वाचं कल्याणी मा वदानी जनेभ्य, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं यजुर्वेद 26:2। तो बस ये था, हालांकि मैं इसको डिफेंस नहीं, क्योंकि मैं वेद में भी बहुत सारे लूप होल्स, अभी जैसे बात हुई थी, मैं अभी भी यहाँ भी बोल सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि वेद में क्या मुझे प्रॉब्लम्स लग रही हैं। अच्छा, अब एतराज आया नीतीश भाई इस पे। नीतीश भाई जी, जी नीतीश भाई, इसके ऊपर बात करते हैं हम थोड़ा, एक दो एक से एक मिनट। देखिए, आप ये बताए कि ये वेद सबके लिए है, तो ये आर्य समाज भी बोलते है कि वेद जो है इटर्नल है और सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ये सबके लिए अच्छी चीज है। तो यहाँ पर इससे ये साबित नहीं होता है कि कोई औरत पढ़ सकती है और वो ब्राह्मण बन सकती है, कोई शूद्र पढ़ सकता है और वो एक ब्राह्मण बन सकता है। तो यहाँ पर तो एक जनरल बता रहे हैं कि सबके लिए वेद है, वैसे हम भी बोलते हैं कुरान सबके लिए आया है, क्रिश्चियंस वही बोलते हैं कि बाइबल जो है सबके लिए, सारी मैनकाइंड के लिए है, तो ये जनरल बात हो रही है भाई इसमें। तो अभी आप एतराज रख दीजिए आपका, आपका क्या क्वेश्चन? ठीक है, उसमें था मेरा जवाब, लेकिन हम अब मुख्य एतराज पे आ जाते हैं, क्योंकि आपने एक भाई से बात की थी कि राम जी भगवान नहीं हो सकते, मैं भी मानता हूँ कि वो एक इंसान है, वो भगवान नहीं है। तो उसमें एक क्रिटेरिया आपने बताया था कि उनको नॉलेज नहीं था कि उनकी जो वाइफ थी वो कहाँ चली गई, और सूर्य देव से वो पूछ रहे थे कि आप बताइए कि मेरी वाइफ कहाँ चली गई, मीन्स वो हर नॉलेजेबल नहीं थे, हर चीज जानने वाले नहीं थे वो। ठीक है, ऑल नोइंग, ऑल नोइंग, हाँ ऑल नोइंग, हाँ हाँ ऑल नोइंग वो नहीं थे, ऑल नोइंग नहीं थे। तो मेरा एतराज ये है कि क्या अल्लाह ऑल नोइंग है? तो आप लोग ऑब्वियस बोलेंगे कि हाँ है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कुरान में सूरह 8 की आयत 65-66 को आप डिस्क्राइब कर दें, उसके बाद एक सूरह है अल आन खफफ अल्लाह, वही है, हाँ हाँ, कि पहले 100 वाले उस पे होंगे, और यानी हाँ, दस, हाँ, एक होगा तो 10 पे भारी, बाद में 100 होंगे तो हजार, हाँ जी हाँ ऐसा ही है, हाँ जी। उसमें क्या है? नहीं, उसमें ये है कि मीन्स नेक्स्ट वर्स में कैसे अल्लाह मियां चेंज कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि मैं तो ट्रांसलेशन सिर्फ पढ़ रहा हूँ, हो सकता है ट्रांसलेशन में इधर उधर हो, तो उसको आप ठीक करेंगे, ठीक है? तो अगर आप बताएंगे तो बताइए, वरना मैं पढ़ के बताता हूँ। मैं समझ गया, मैं समझ गया, वो जो मैं निकाल भी लूंगा, हाँ मैं निकाल भी लूंगा। ठीक है, नीतीश भाई, नीतीश भाई, नीतीश भाई, यही सवाल आपको सता रहा है जो इस्लाम कबूल करने से आप थोड़ा पीछे हट रहे हैं? नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ना कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, हर चीज जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग को सुनता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ, उसमें मैं क्या कंक्लूजन निकाल पाता हूँ वो आप बेहतर, आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, आप उसको सॉर्ट आउट करिए। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, मैं आयत पे जरा बात करना चाह रहा हूँ। भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी आमिर भाई, आप बताइए। अच्छा, ये जो आयत है ना जिसमें आपको लग रहा है कि अल्लाह क्यों अपने आप को चेंज कर लिए, अल्लाह ताला अपने आप को चेंज नहीं किए, वो लोग अपने आप को चेंज किए, वहां आप देखें कि क्या हुआ है। अल आन खफफ अल्लाह अनकुम व अलिमा अन्ना फीकुम ज़ाफा, पहले वो ज़ाफ नहीं था, पहले कमजोरी नहीं थी,
पहले ईमान तगड़ा था तो ये स्टेटस था, जब ईमान कमजोर हुआ तो स्टेटस ये हो गया। तो अल्लाह नहीं बदला, मोमिन बदला है। आज भी वो ईमान पैदा कर ले, इसीलिए इकबाल ने कहा था फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। आप वो फिजा कायम कर लो, एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे पहुंच जाएं, आज भी वही स्टेटस है, उस क्राइटेरिया से नीचे उतरेंगे ये हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अच्छे बच्चे की आपको क्राइटेरिया बताते हैं, ये बच्चा अच्छा है, उसमें ये करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसमें से एक मिस होगा वो अच्छा बच्चा नहीं है। इसमें वो क्राइटेरिया रखने वाले का क्या नुक्स हुआ, उसने तो रखा हुआ है, वो तो अपनी जगह पर स्टे है। हाँ, एक वर्ड है जो दिक्कत दे सकता है, वो आमतौर पर लोगों को देता है, वो है अल आन खफफल्लाहु अनकुम व अलीमा अन्न फीकुम ज़ाफा, और उसने जान लिया कि तुम में कमजोरी है। तो यहां से कई लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं खासतौर पर, या जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है अरबिक की, वो ये तासुर ले लेते हैं कि गोया अल्लाह ये कह रहे हैं कि पहले अल्लाह को इल्म नहीं था, अब उसको इल्म हुआ है तो इसलिए उसने चेंज किया। नहीं, यहां कॉन्टेक्स्ट के एतबार से देखें, अलीमा अन्न फीकुम ज़ाफा से मुराद ये है कि अब एक प्रैक्टिकल और फिजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद अब तुम उस जगह पे खड़े हो। एक प्रैक्टिकल मिसाल के तौर इसकी यूं समझे कि अल्लाह जो है वो इम्तिहान क्यों ले रहा है, जबकि उसको पता है, वो तो ऑल नोइंग है। ये सवाल तो इस आयत से पहले इस पे उठ सकता है कि अल्लाह ने इम्तिहान ही क्यों ले रहा है जबकि वो सबको जानता है, और ये सवाल होता भी है। बात यह है कि अल्लाह का जो प्रोसीजर है अदल का, जो उसने कुरान के अंदर बयान किया है, वो है हुज्जत तमाम करना। हुज्जत तमाम करने से मुराद ये है कि चीज को उसके क्लाइमेक्स तक पहुंचाना, ताकि किसी के पास कोई एक्सक्यूज या कोई इनवैलिड जस्टिफिकेशन या कोई और एस्केप प्लान ना हो सके, जब वो अपनी अपनी जो है वो जजमेंट दे, कोई वहां से भाग ना सके, उस चीज को रद्द ना कर सके, ये चीज थी। तो ऐसी सूरत में किसी चीज का प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करना और किसी चीज का पोटेंशियली एग्जिस्ट, मिसाल के तौर पर एक है कोई चीज पोटेंशियल टू एग्जिस्ट और एक है प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करना, किसी दोनों में फर्क है। मिसाल के तौर पर मैं शराब पी सकता हूं, मेरे पास हाथ भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास पेट भी है कि जिसके अंदर मैं शराब डालूंगा और वो पी जाएगी, मगर क्या मैं प्रैक्टिकली पी रहा हूं? इस चीज को करने के बाद ही मुझ पर शराबी का, अल्कोहलिक का या ड्रंक होने का हुक्म लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। तो अल्लाह के इल्म में बहुत सी चीजें हैं, मगर जब तक वो प्रैक्टिकली सामने नहीं आएंगी तो कैसे उस पर हुक्म लगेगा। तो अल्लाह यहां ये कह रहे हैं अल आन खफफल्लाहु अनकुम व अलीमा अन्न फीकुम ज़ाफा, अब प्रैक्टिकली जिहाद के बाद, लड़ाई के बाद पता चल गया है कि तुम में कौन ईमान वाले हैं और कौन कमजोर, तो अब ये हुक्म है। दिस इज द थिंग, दैट्स इट, ये फर्क है। तो पोटेंशियल आमिर साहब, बहुत अच्छा लगा वो जो आपने अगला स्टेप भी आपने क्लियर किया, क्योंकि मैं, मेरा वो सवाल भी था कि जान लिया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन में भी दिया गया है और आपने उसको पकड़ा, आपकी एक्सपीरियंस है इसीलिए आपने वो पकड़ लिया, और मेरा वो सवाल भी बनता था। लेकिन एक चीज यहाँ पे और मेरा बन रहा है कि अल्लाह को तो पहले ही पता था ना कि ये पहले अच्छे ईमान वाले हैं, मीन्स मजबूत ईमान वाले हैं, और बाद में वो कमजोर पड़ेंगे, ये चीज तो ऑलरेडी अल्लाह को पहले से पता था क्योंकि वो हर चीज जानने वाले हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? अच्छा, आप ये भी उदाहरण दिए कि हम टेस्ट के लिए आए हैं लेकिन पहले ही वो रिजल्ट नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि हम अगर उनसे सवाल कर दिए कि भैया क्यों रिजल्ट दे रहे हो मुझे, मुझे क्यों पास कर दिया, मुझे क्यों फेल कर दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो अल्लाह मियां पहले हमें टेस्ट देंगे और वो कहेंगे कि देखो तुमने ये किया, बेशक वो पहले से ही जानते हो। चलिए, इस बात पे तो मैं, तो यही तो मेरा अगला सवाल ये सवाल है ना कि वो पहले से जानते थे कि अभी मजबूत है इनका ईमान और बाद में कमजोर होगा, तो ये ऑलरेडी बाद में देने की क्या, वो एक ही आयत में कह सकते थे कि आप नहीं, आप हाँ, समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैं समझ गया आप, अब मैं म्यूट हो रहा हूँ, म्यूट हो रहा हूँ। जबरदस्त, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये जो मैंने इसीलिए उस चीज, उस पॉइंट को भी एड्रेस किया था, उसको लिंक किया था एक जेनरिक क्लैरिफिकेशन से, कि अमूमी तौर पर जब हम इम्तिहान की बात करते हैं कि यहाँ हम इम्तिहान के लिए, एग्जामिन होने के लिए, उसको मैंने क्लियर कर दिया था। अब आपका आया कि एक ही आयत में क्यों नहीं आया। कुरान जो है वो 23 years of the span जो है उसके बारे में ये नाजिल हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हालात होते थे उसके एतबार से ये आता था। अब मजे की बात ये है कि अल्लाह के इल्म में तो था, और इसका मतलब है कि ये भी पता था कि क्या होने वाला है, उसको उस तरतीब से उतारा। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था इत्माम हुज्जत, जो मैंने आपके सामने कहा है कि कोई एस्केप प्लान ना हो, कोई एक्सक्यूज और कोई जस्टिफिकेशन ना हो, लिहाजा कुरान अपने अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर आता था। अब मिसाल के तौर पर मदनी सूरतें हैं, वो हिजरत के बाद आई हैं। अब मदनी सूरतें जो हैं, मदनी सूरतों से मुराद ये जिनमें जिहाद का हुक्म है या जिनमें
क्या उसे कहते हैं, अपने लिए खड़े होकर ऐलान करने का, पब्लिक में आकर काम करने का हुक्म है, वो मक्का के अंदर होती तो सर्वाइवल नहीं हो सकता था। अल्लाह की जात ऑल नोइंग के साथ साथ ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग के साथ साथ ऑल वाइज है। कोई ऑल नोइंग कभी भी अल वाइज के कॉन्ट्राडिक्टरी हो ही नहीं सकता ऑल वाइज के। मिसाल के तौर पर एक बंदा ये जानता है कि आग लगी है मैं जल जाऊंगा, तो उसका और उसका नोइंग होना उसको वाइज बनाएगा ऑटोमेटिकली, उसका जानना उसको समझदार बनाएगा, ठीक है, समझदार बनाएगा। मिसाल के तौर उसको पता है आग जलाएगी तो वो आग में नहीं जाएगा, ये